कि बोलने को दी जुबा, तू बोलता क्यों नहीं? लेने को मेरे बाबा का नाम, मुख खोलता क्यों नहीं? पर आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल भी ना आएगा। हमको जब ये बातें याद आएंगी, ये टाइम याद आएगा जब हमारी नाड़ डगमग डगमग हालेगी और हमारी कमर में बैक पेन होगा, पैर चलना फिरना बंद कर देंगे, तब याद आएगी कि जीवन में थोड़ा भजन करना चाहिए। तो आज बाबा के दरबार में बाबा को मल्लड़नाथ जी महाराज के शरणों में कोई दुखिया जाती है और बाबा को मनाती है, क्या कहती है बाबा को? श्री मल्लड़नाथ और धाम तेरा न्यारा, या दुनिया करे बड़ाई और दुखियों के दुख दूर करनिया, मैं तेरे भजन सुनाऊंगी। आपने कार्यक्रम तो यहाँ बहुत करवाए होंगे, लेकिन जिस चमत्कार के लिए बाबा को जाना जाता है, एक वैसा भी भजन हम बना के लाए हैं। तो ये भजन सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया भजन आपको सुनाएंगे और सभी ने इस भजन को सुनना है और बाबा के चरणों में ध्यान लगाना है। इधर उधर की बातों में कोई नहीं ध्यान लगाएगा, और खासकर माताएं चुगली बहुत करती है, बाबा के दरबार में कोई चुगली नहीं, केवल आज बाबा से ध्यान लगाओ। और चलिएगा, श्री मल्लड़नाथ धाम तेरा न्यारा, दुनिया करे बड़ाई, दुखियों के दुख दूर करनिया, तेरे दर पे आई, दुखियों के दुख दूर Thank you.
इच्छाएं पूरी करी, अपना एक हाथ ठाई हो, ज्यादातर की इच्छाएं यहां से पूरी हुई है, तो बोलो मौलनाथ जी महाराज की जय। अच्छा कैसी इच्छाएं थी, पैसे वैसे की थी कि घर बनाने की थी कि बच्चों की नौकरी, कैसी कैसी इच्छाएं थी? बहुत सारी। कितने ऐसे भक्त हैं वही जिनकी इच्छा पूरी हुई है, सच्चाई से बताना, कमी है, भक्त कम है, माताएं ज्यादा है। बोलिए मौलनाथ जी महाराज की जय। आपकी नैया डगमग है, आपके मन के विचार बदलते रहते हैं, तो बाबा भी थोड़ा सा देर में सुनते हैं। माताएं थोड़ा भावुक होती हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, तो इनकी थोड़ी जल्दी सुन लेते हैं, है कि नहीं? बोलो मौलनाथ जी महाराज की जय। मत बोलना क्योंकि पड़ोसी भी ना सुन ले। बोलो मौलनाथ जी महाराज की, और आगे आगे सुनिएगा दूसरी लाइनों में क्या बता दिया। तीसरी बात में सुनिएगा से। बोलो खाना नहीं खाया,
प्रेम से बोलो श्री मौलड़नाथ जी महाराज की। आप भी बोलो श्री मौलड़नाथ जी महाराज की। आपकी जिभ्या पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो, इसीलिए इस मंच से मैं बार बार आपसे बुलवाती हूँ। प्रेम से कहो मौलड़नाथ जी महाराज की। और मेरे बाबा नाम अनोखा काम बिचोखा